बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वी आर स्टार्टिंग अवर ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर में जो थी हमने अजम्पशन ऑफ रिग्रेशन की थी, इस चैप्टर में आज टुडे वी विल डू द रिग्रेशन। रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे जिसके ऊपर सारी रिसर्च जो है वो बेस्ड करती है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिसाइड किया था कि रिग्रेशन जो है, मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई थी कि रिग्रेशन इज ए प्रोसेस जो प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर वैल्यू को, जो आपकी प्रिडिक्शन बताता है। अभी तक 25 पीपल हैज़ बीन ज्वाइंट, बाकी लोग जो हैं वो भी जल्दी से ज्वाइन कर लें ताकि हम पूरा सेशन स्टार्ट करें। 24 पीपल हैज़ ज्वाइंट। अच्छा जी, लास्ट क्लास में जो है मैंने आपको कोरिलेशन बताया था SPSS पे, फिर मैंने आपको सारी अजम्पशन लगा के दिखाई थी। अच्छा, आप लोगों के जितने भी असाइनमेंट आई हैं उनमें से जो चीज़ मिसिंग थी, ज़्यादातर लोगों ने तकरीबन सही थे एनालिसिस, लेकिन वैल्यूज़ जो हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि हर वैल्यू जो है वो परफेक्ट आए। हर वैल्यू परफेक्ट आना जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सारी अजम्पशन जो है वो परफेक्ट बैठ रही हों। डेटा चूँकि आपका इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, जो क्वेश्चनियर फिल करने वाले थे वो इतने ज़्यादा परफेक्ट नहीं थे, क्वान्टिटी जो है वो इतने ज़्यादा लोगों की नहीं थी डेटा की, 30 लोगों का जो है वो बहुत कम डेटा कंसीडर किया जाता है। एटलीस्ट डेटा जो है वो 300 से लेके 400 के दरमियान का डेटा हो तो फिर कहीं जाके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अगर 300 या 400 का डेटा ना हो तो फिर रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते हैं। तो ज़्यादातर लोगों की अजम्पशन नॉर्मेलिटी वगैरह जो थी वो ऑलमोस्ट सही थी, लेकिन अगर रिज़ल्ट सही नहीं आते और रिज़ल्ट सही आते हैं, दोनों की जस्टिफिकेशन लिखनी पड़ेगी आपको। कोरिलेशन आप लोगों ने प्रेजेंट की इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कोरिलेशन क्या होती है? इट्स द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, कि रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, रिलेशनशिप माइनस में है प्लस में है, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है या वीक है या मॉडरेट है, उसकी स्ट्रेंथ भी बताई जाती है। और तीसरी चीज़ जो क्या थी, वो सिग्निफिकेंस और इनसिग्निफिकेंस बताई जाती है। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने मेथडोलॉजी में कोरिलेशन के हाइपोथेसिस बनाए थे, कोरिलेशन के और इम्पैक्ट के। मैं आप लोगों को हाइपोथेसिस दिखाता हूँ। ये वन ऑफ द स्टूडेंट का मेथडोलॉजी का चैप्टर था, जब मेथडोलॉजी के चैप्टर में आप लोगों ने ये हाइपोथेसिस बनाए थे, स्ट्रेटजीज अनियन बनाया था पूरा, क्रॉस सेक्शनल रिलायबिलिटी, सैम्पल साइज 30 का, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होंगे। अच्छा, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल अब कंपनी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस सेम रहेगा, इंडिपेंडेंट में रिवर्स ग्रीन लॉजिस्टिक और रिसाइकलिंग, जो रीमैन जो आपका है बाई प्रोडक्ट की जगह पे, ये एक्चुअली बाई प्रोडक्ट था, BUY नहीं था, बाई प्रोडक्ट्स की जगह पे आप रीमैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हैं, जो हमारा चौथा वेरिएबल है, या प्रॉपर डिस्पोजिबल, ये भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो गया। जो हमारे क्वेश्चन ईयर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे सारे के सारे, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएंगे। हाइपोथेसिस हम लोगों ने क्या बनाए थे, कोरिलेशन के हाइपोथेसिस, देर इज नो सिग्निफिकेंट कोरिलेशन बिटवीन रिवर्स लॉजिस्टिक एंड कंपनी परफॉर्मेंस, एंड देर इज ए सिग्निफिकेंट कोरिलेशन। तो अब आप लोगों की कोरिलेशन आ गई तो उसकी आप सिग्निफिकेंट चेक करेंगे कि वो सिग्निफिकेंट कोरिलेटेड है या फिर नहीं है। अगर सिग्निफिकेंटली कोरिलेटेड है तो फिर आप ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर लेंगे, नल को रिजेक्ट कर लेंगे। अगर सिग्निफिकेंट कोरिलेशन नहीं आ रही तो फिर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेंगे। दूसरा क्या था, देर इज नो सिग्निफिकेंट कोरिलेशन बिटवीन ग्रीन लॉजिस्टिक, तो आपने कोरिलेशन से चेक किया ग्रीन लॉजिस्टिक और कंपनी परफॉर्मेंस के दरमियान कोई कोरिलेशन है। अगर कोई सिग्निफिकेंट कोरिलेशन नहीं है तो यू विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, अगर सिग्निफिकेंट कोरिलेशन आ रही है तो यू विल एक्सेप्ट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, देर इज नो सिग्निफिकेंट कोरिलेशन बिटवीन। इस तरह से सारे
कोरिलेशन के हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट होंगे। किस तरह से पता चलेगा आपको? कोरिलेशन से पता चलेगा कि आपके हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट होंगे या फिर नहीं होंगे। क्वेश्चन आंसर जिनके भी हों वो मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पे, जिनके साथ भी कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है। बाकी जो स्टूडेंट्स जो हैं 30 के करीब स्टूडेंट्स आ चुके हैं, बाकी सब भी ज्वाइन करेंगे तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो कोरिलेशन आप लोगों ने रन की थी, लेकिन किसी ने, बहुत कम लोगों ने, दो तीन लोगों ने जिनको मैंने शाबाशी दी है, उन लोगों ने सिर्फ हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करके बताया था। तो आप लोगों का जो रिसर्च का मकसद था, वो रिसर्च का मकसद ही यही था कि आपके जो क्लेम्स थे, क्लेम क्या थे हमारे, हाइपोथेसिस क्या थे, कि देर इज़ नो कोरिलेशन और देर इज़ ए सिग्निफिकेंट कोरिलेशन। कोरिलेशन में सिग्निफिकेंट आ रही है या नहीं आ रही है, इसके अलावा नीचे जो थे वो इम्पैक्ट के थे, देर इज़ नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ रिवर्स लॉजिस्टिक टुवर्ड द, तो इम्पैक्ट जो है वो हम कोरिलेशन से चेक करते हैं, सही है। इसके अलावा देर इज़ नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन लॉजिस्टिक आउटकम, देर इज़ ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। तो आज जो है हम इम्पैक्ट चेक करेंगे कि कोरिलेटेड तो हैं लेकिन इम्पैक्ट कितना आ रहा है। सर, नॉर्मेलिटी का ग्राफ को किस तरह से ऑब्जर्व करना है काइंडली एक बार बता दीजिए। नॉर्मेलिटी के ग्राफ तकरीबन सबके सही थे, ये मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी, दीज आर नॉर्मल ग्राफ। अब मैं आप लोगों को एबनॉर्मल ग्राफ दिखाता हूँ। आज जो है मुझे एक असाइनमेंट रिसीव हुआ जो देखकर मैं बिल्कुल हिल गया पूरी तरह से। मैं आपको असाइनमेंट दिखाता हूँ, उसके नॉर्मेलिटी के ग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ। ये नॉर्मेलिटी के ग्राफ आ रहे थे। अब मैं आई वॉज सो शॉक कि ये किस तरह का नॉर्मेलिटी का ग्राफ है। मतलब वो स्टूडेंट ने लॉग भी लेके देखा, स्क्वायर रूट भी लेके देखा, लेकिन वो नॉर्मेलिटी के ग्राफ देख रहे हैं आप कितने फ्लैट और बिल्कुल लाइन के आ रहे हैं। एलएन भी लेके देखा, क्यूब भी लेके देखा, फिर भी ग्राफ सही नहीं हो रहा। स्क्वायर भी लेके देखा, फिर भी नहीं सही हो रहा था ग्राफ। ये नॉर्मेलिटी के ग्राफ मुझे बिल्कुल ही, ये थोड़ा सा एलएन का सही हुआ और ये स्क्वायर वाला सही हुआ, लेकिन ये क्यूब वाला भी बहुत ही बुरे ग्राफ आ रहे थे। आई वॉज सीरियसली कंसर्न के लाजमी तौर पर डेटा के अंदर कुछ गड़बड़ है। तो ये नॉर्मल ग्राफ थे, नॉर्मल जो ग्राफ थे ये मैंने आप लोगों को दिखाए थे, ये सब नॉर्मल ग्राफ है, सही है। डेटा जो है इट शुड बी इन द सेंटर में आना चाहिए, ज़्यादातर डेटा जो है वो मिडिल में, मीन मोड मीडियन के सराउंडिंग में घूमना चाहिए, सही है। तो इतना कोई फ्लैट अगर कोई आ रहा है तो इट मीन्स कि वो एबनॉर्मल है। वट अबाउट द नॉर्मल, इफ इट्स स्क्यूड वी नीड टू गो फॉर द स्क्वायर क्यूब। अच्छा, अगर नॉर्मेलिटी सही नहीं आ रही है तो मतलब ये देखें, मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाई, दीज आर द ग्राफ्स जो कि बिल्कुल ही एब्सोल्युटली एबनॉर्मल आ रहे थे। मैंने जो है इस स्टूडेंट से बोला कि मुझे डेटा सेंड करें, ये लाजमी तौर पर डेटा के अंदर कुछ गड़बड़ है। स्टूडेंट ने मुझे डेटा सेंड किया। अब मैं डेटा ओपन करके आपको बता रहा हूँ, स्टूडेंट ने मुझे ये डेटा ओपन करके दिया। मैंने जब इस डेटा को ओपन किया तो बेसिकली तो सबसे पहले मैंने देखा कि डेटा की क्वांटिटी कितनी है, वो मुझे नज़र आ गई कि 31 लोगों का डेटा है। ये सामने ही मुझे नज़र आ गया कि एक बिल्कुल खाली लाइन पड़ रही है, तो इसका मतलब है ये डेटा गड़बड़ है, सही है। ये बिल्कुल देखने से ही मुझे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। अब ये 12 क्वेश्चन यहाँ थे, यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज़ और वेरियंस नहीं चेक किया गया था। अगर मैं यहाँ मिसिंग का डाल के इजिकल टू काउंट ब्लैंक करता हूँ तो मुझे मिसिंग वैल्यू से डेटा के अंदर बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। मैं मिसिंग वैल्यूज़ में चेक कर रहा हूँ इस डेटा के अंदर, तो मुझे ये 12 वाली नज़र आई कि ये पूरी की पूरी रो जो है मिसिंग है, तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। एक मुझे गड़बड़ नज़र आ गई, डेटा कितना हो गया, 30 का डेटा हो गया, सही है। फिर मैंने चेक किया वेरियंस, वॉर चेक किया, इजिकल टू वॉर लिखकर
इसको मैंने डबल क्लिक किया, इसके बाद फिर मैंने देखा वेरिएंस, यहाँ बिल्कुल जीरो वेरिएंस आ रहा है। इट मींस कि इस बंदे ने मिथक ने जो है आंखें बंद करके 3-3 क्लिक क्लिक किया था, तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। सही है, डेटा और कम हो गया। एक और चीज़ अगर आप गौर से देखें तो यहाँ वेरिएंस तीनों का सेम आ रहा है, 2727 27 27, इतना सेम कैसे आ सकता है? तो मैंने ये आखिरी तीन लाइनें देखी तो ये अहमद साहब ने एक ही वक्त में 3 दफ़ा फिल किया हुआ था, तो इट मीन्स कि ये भी मसला कर रहा था। इन दोनों को मैंने डिलीट कर दिया। सही है, इसके बाद फिर मैंने देखा, फिर मैंने नाम देखना शुरू किए कि कौन से ऐसे नाम हैं जो जिन्होंने सही फिल किया है, कोई स्टार के नाम से एक ने फिल किया हुआ है, सैयदा उरूज, सैयदा उरूज। देख रहे हैं आप, 2 दफ़ा एक ही फीमेल ने, सैयदा उरूज ने, सैयदा उरूज ने 2 दफ़ा फिल किया हुआ है, तो इट मीन्स के ये भी गड़बड़ कर रहा है, तो मैं इनका एक जो हूँ वो डिलीट कर दूंगा। सही है, आप एक बंदे से 2 दफ़ा फिल नहीं करवा सकते। इसके अलावा मैं देखूंगा किसी का रिपीट हुआ हुआ है। सही है, तो ये गड़बड़ थी पूरे डेटा के अंदर। फिर मैंने इस डेटा को SPSS में जब लोड किया, ये मैंने सेम इसी डेटा को SPSS में लोड किया, कॉपी पेस्ट किया, फिर मैंने इसकी नॉर्मेलिटी चेक की हिस्टोग्राम, तो आप अब नॉर्मेलिटी देखें, ये मेरे पास नॉर्मेलिटी आ रही है। नॉर्मेलिटी जो है वो कितनी ज़्यादा नॉर्मल हो गई, कितनी पहले फ्लैट लाइन आ रही थी, दूसरे वेरिएबल की नॉर्मेलिटी चेक की, शॉपिंग एनवायरनमेंट की, तो ज़्यादातर डेटा जो है वो थोड़ा सा राइट की तरफ आ रहा है लेकिन मिडिल में ही आ रहा है। डेट की नॉर्मेलिटी चेक की, तो सारा डेटा जो है वो मिडिल की तरफ आ रहा है। सही, सैलरी की नॉर्मेलिटी चेक की, तो सारा डेटा जो है वो नॉर्मल की तरफ आ रहा है। पहले क्या डेटा आ रहा था आपके पास, पहले बिल्कुल फ्लैट लाइन आ रही थी, तो आपको देखकर ही अंदाज़ा हो रहा था कि डेटा के अंदर कुछ गड़बड़ थी, तो आपको आंखों से पता चल जाता है कि डेटा के अंदर, तो वेरियंस और मिसिंग वैल्यूज़ अगर आप लगा के फिर डेटा ट्रांसफ़र करते हैं SPSS में, तो इतने ज़्यादा मसले मसाइल नहीं आते। इतने फ्लैट ग्राफ के रूट कॉज क्या होती है, इज दैट एबनॉर्मल, मैंने आपको बता दिया क्या रूट कॉज होती हैं। क्लियर सर, यू हैव ऑलरेडी रिप्लाइड। हाँ, ये जो है इस तरह से आप नॉर्मेलिटी को सही कर रहे हैं। अगर फिर भी नॉर्मेलिटी सही नहीं आती तो फिर हम लॉग लेते हैं, फिर भी सही नहीं आती तो फिर हम 1000 वाला, एलन वाला जो लॉग होता है, फिर वो वाला लॉग लेते हैं, फिर भी सही नहीं आती तो फिर हम स्क्वायर लेते हैं, फिर भी सही नहीं आती फिर क्यूब लेते हैं, फिर भी सही नहीं आती तो फिर हम स्क्वायर रूट लेते हैं, उसके पास सही आ जाती है। नॉर्मली लॉग लेने के बाद ही सही आ जाती है, तो आपको डेटा की तरफ देखना होगा थोड़ा सा कि वाकई में सही है डेटा या नहीं। अच्छा सर, हमने आउटलायर्स में सो जो रिपीट हो रही थी एंड ग्राफ के बाहर या ऊपर थी, उस वैल्यू को डिलीट कर दिया डेटा व्यू में जाकर, तो सर आगे जब एनालिसिस किया तो फिर वैल्यू हमको आगे 97 हो गई थी, तो इस नहीं पड़ेगा कि एनालिसिस करने से हमने पूरा एनालिसिस 97 पर किया, आपका जो डेटा की क्वांटिटी थी वो ऑलरेडी ही कम थी। मैंने आपको बताया ना कि 30 डेटा बहुत ही कम होता है, तो 30 डेटा जो है वो ऑलरेडी ही बहुत कम था, तो आउटलायर्स को भी अगर आपने कर दिया तो डेटा और ज़्यादा कम हो गया। तो नॉर्मली रिसर्चर की चॉइस होती है कि वो डेटा को डिलीट करता है या फिर कीप करता है, तो ये रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कहा था वो वैल्यूज़ जो रिपीट हो रही हों, जिस तरह से मैंने ये वैल्यूज़ आपको बताई थी, ये आपको ग्राफ बताया था कि 151 152 ये रिपीट हो रही हैं, कहाँ रिपीट हो रही है, 279 279 कहीं रिपीट हो रही है। अगर हर वेरिएबल में 292 292, ये देखें ये 292 292 दोनों जगह रिपीट हो रही है,
281 दोनों जगह रिपीट हो रही हैं, 282 दोनों जगह रिपीट हो रही हैं, 281 282, ये ऐसी वैल्यूज जो हर वेरिएबल में रिपीट हो रही हों वो ज़रा मसला कर रही होती हैं, लेकिन वो भी फिर रिसर्चर की चॉइस होती है कि वो आउटलायर्स को डिलीट करता है, अगर डिलीट करता है उसकी भी जस्टिफिकेशन देगा, अगर डिलीट नहीं करता है रखता है अपने डेटा के अंदर तो उसकी भी जस्टिफिकेशन देगा, हर स्टेप की जस्टिफिकेशन देगा। सिर्फ रिसर्चर जो है वो डेटा को मैन्युपुलेट नहीं कर सकता। मैन्युपुलेशन क्या होती है कि कोई कोई भी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं कर सकता, यहाँ पे 3 लिखा है तो इसको चेंज करके वो 4 नहीं कर सकता यहाँ पे, या कोई भी रो जो है वो कॉपी पेस्ट करके वो नीचे पेस्ट नहीं कर सकता। डेटा को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, लॉग लिया जाता है, लॉग लेने से डेटा चेंज नहीं होता, स्क्वायर लेने से डेटा चेंज नहीं होता, डेटा वही रहता है लेकिन उसी डेटा का वो स्क्वायर होता है तो उसकी इंटरप्रिटेशन बदल जाएगी। सही है सर, जितनी वैल्यूज डिलीट हो रही हैं वो सब करनी है या नहीं? मैंने कहा रिसर्चर की चॉइस होती है, सब करना चाह, आपके पास करोड़ों का डेटा होगा तो आपके पास ऑप्शन होंगे, आपका 30 का डेटा था यार, 30 का डेटा में आपके पास इतना ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता है डिलीट करने का। जब आप बड़े लेवल के ऊपर ये रिसर्च करेंगे तब आप डिलीट करते रहना, तो इस वजह से आउटलायर्स की वजह से भी हो सकता है कि आपके रिजल्ट सही ना आ रहे हों। सही है, फिर लीनियरिटी में बहुत सारे लोगों ने जो है वो डेटा को सही तरह से देखा नहीं था तो इनकी लीनियरिटी भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही थी, जिस तरह से मैं इसी असाइनमेंट को दिखाऊं तो इसकी लीनियरिटी भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही थी। आउटलायर खैर इस वाले कोई भी आउटलायर नहीं आ रहा था, लीनियरिटी में जितने भी डॉट थे वो लाइन से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे थे, इतने ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं होने चाहिए। ये देख रहे हैं आप डॉट कितने लाइन के बिल्कुल बीच में है, इट शोज के जितना भी डेटा है वो लाइन की सराउंडिंग में हो, जबकि ये वाला लाइन की सराउंडिंग में डेटा नहीं आ रहा था, तो लीनियरिटी की अजम्पशन भी कोई इतनी अच्छी नहीं आ रही थी। फिर नीचे कैमो बॉर्डर सही आ रहा था इसका, ईएफए वगैरह। डर्बिन वॉटसन जो है 1.07 आ रहा था, तो डर्बिन वॉटसन भी बहुत बुरा आ रहा था। बीआईएफ जो है वो सबका सही आ रहा था, यहाँ पे डर्बिन वॉटसन नहीं है, तो आउटलायर्स जो थे एरर टर्म की जो थी अजम्पशन वो सिर्फ सही आ रही थी। तो डेटा को देखने के बाद आपको पता चल जाता है कि डेटा के अंदर कुछ गड़बड़ है, तो उसको ख़ास तौर पर आप देख लिया करें। सही है, आज हम करेंगे रिग्रेशन, हाउ टू अप्लाई द रिग्रेशन। कोरिलेशन हमने देख ली, आप देखिए मैं सारी आपको अजम्पशन बताता हूँ। लिगेसी में हिस्टोग्राम जाके आप नॉर्मेलिटी चाहिए, बॉक्स प्लॉट में आउटलायर, स्पॉटेड डॉट मैट्रिक्स में आप लीनियरिटी चेक करते हैं, फिर आप एनालिसिस में जाके मैंने रिग्रेशन में जाके आपको दो अजम्पशन बताई थी, वो कौन सी थी? नो मल्टी कोलिनियरिटी, नो ऑटो कोरिलेशन। What should be the justification for keeping it? Justification यही होगी कि डेटा आपके पास नहीं है इतना ज़्यादा। If we are keeping the statement in outlier, what justification we should give? डेटा इतना ज़्यादा नहीं है, अगर हम डिलीट कर देंगे तो डेटा और ज़्यादा कम हो जाएगा। Smaller the sample size, that would be the result. जितना कम सैंपल साइज होगा रिजल्ट्स उतने ज़्यादा बुरे आएंगे। Assumptions इतनी ज़्यादा important नहीं होती, correlation और रिग्रेशन इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपके हाइपोथेसिस कोरिलेशन और अजम्पशन भी इंपॉर्टेंट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन होती है नो मल्टी कोलिनियरिटी के, मल्टी कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए। ऑटो कोरिलेशन भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, नॉर्मेलिटी भी इतनी नहीं होती, चल जाती है नॉर्मेलिटी भी हर तरह की, और बॉक्स प्लॉट भी इतने ज़्यादा, आउटलायर भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। लेकिन जो नो मल्टी कोलिनियरिटी, आप लोगों ने मिक्स किया है कोरिलेशन को और मल्टी, नो मल्टी कोलिनियरिटी को अजम्पशन को। कोरिलेशन जो टर्म है वो बताती है रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल,
जबकि नो मल्टीकोलिनियरिटी की अजम्पशन है, दैट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ओनली, वो नहीं होनी चाहिए, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सिग्निफिकेंट और पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव आ रही है तो इट मीन्स के दो वेरिएबल्स, दो अलग अलग वेरिएबल्स के बजाय हमें एक वेरिएबल यूज़ करना चाहिए। तो मल्टीकोलिनियरिटी का इशू आ रहा हो तो हम दो, जिन दो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फॉर एग्जांपल ग्रीन लॉजिस्टिक और रिवर्स लॉजिस्टिक, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में मल्टीकोलिनियरिटी आ रही है, उसका VIF जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रहा है, तो इट मीन्स कि हम उन दोनों को ऐड नहीं करेंगे, उन दोनों को ऐड करने के बजाय उन दोनों में से किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ऐड करेंगे और दूसरे को डिलीट कर देंगे या ड्रॉप आउट कर देंगे। सर, लाइन की सराउंडिंग नहीं हो तो आउटलायर्स क्यों नहीं हैं? लाइन की सराउंडिंग इज समथिंग एल्स, नहीं आउटलायर्स अपे लाइन की सराउंडिंग, लीनियरिटी एक अलग अजम्पशन है और आउटलायर एक अलग अजम्पशन है, दोनों को चेक करने का तरीका अलग है। सर, कम्युनैलिटीज़ का एक बार बता दें, कम्युनैलिटीज़ भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एडवांस लेवल की हैं, जब MS PhD कर रही होंगी तो EFA जब रन करते हैं, EFA जब रन करते हैं तो EFA में हर फैक्टर, हर क्वेश्चन जो है वो दूसरे क्वेश्चन के साथ कोरिलेशन चेक करता है, तो जो भी फैक्टर उसकी कोरिलेशन ज़्यादा आ रही होती है तो उसकी कम्युनैलिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं, तो उन फैक्टर को दो अलग अलग फैक्टर यूज़ करने के बजाय, वो छोड़ दो निदा, वो ज़रा स्ट्रॉन्ग एडवांस लेवल की है, थैंक्स गॉड। अच्छा साकिब, सर आउटलायर की लीनियर इक्वल होनी चाहिए, आउटलायर इज़ डिफरेंट अजम्पशन, लीनियरिटी इज़ डिफरेंट अजम्पशन, मैनी मिनिमम वैल्यू वी हैव टू कीप इफ़ वी आर डिलीटिंग आफ्टर मल्टीकोलिनियरिटी। अच्छा, अभी मैं मल्टीकोलिनियरिटी और रिग्रेशन बताता हूँ तो फिर मैं आप लोगों को और ज़्यादा फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। VIF strong mean, VIF अगर 4 value आ रही हो या 5 value आ रही हो तो it means के VIF strong है और multicollinearity का issue है। तो मैं आप लोगों को regression बता रहा था, बाकी दो जो है analysis regression में जाएंगे, linearity में जाएंगे। यहाँ पे मैं dependent gender based buying behavior dependent variable था, आपका environment shopping environment personal trade और salary इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, इन तीनों को मैंने इंडिपेंडेंट के अंदर डाला, इसको डिपेंडेंट, इस डेट्स के ऑप्शन में गया था यहाँ पे कोलिनियरिटी डायग्नोसिस को और डर्बिन वॉटसन को क्लिक किया। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, आर स्क्वायर चेन पार्ट पार्शियल कॉन्फिडेंस इंटरवेल को वेरिएंट, कॉन्फिडेंस इंटरवेल होता है कि आप 95% कॉन्फिडेंस इंटरवेल पे आप एस्टिमेशन करेंगे, को वेरियंस मैट्रिक्स अगर आपने देखना है, को वेरियंस देखने के लिए, को वेरियंस मीन्स एक दूसरे का आपस में वेरियंस चेक किया जाता है, लेकिन ये भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एडवांस लेवल की चीज़ है, तो ये भी आप रहने दो, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, डर्बिन वॉटसन और कोलिनियरिटी डायग्नोसिस से नो मल्टी कोलिनियरिटी की अजम्पशन चेक होती है, डर्बिन वॉटसन से आपको ऑटो कोरिलेशन भी इतने ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन कोलिनियरिटी डायग्नोसिस नो मल्टी कोलिनियरिटी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लॉट्स में जो है हम होमोसिडेस्टिसिटी भी बहुत कम लोग चेक करते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया है, आप रिसर्च पेपर देखेंगे तो बहुत सारे रिसर्चर ने होमोसिडेस्टिसिटी यूज़ नहीं की होगी, लेकिन ये भी एक अजम्पशन है, ये भी इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। जेड पी रेड को हम वाई में डालते हैं, जेड रेजिडुअल को हम एक्स में डालते हैं, हिस्टोग्राम में और नॉर्मेलिटी। होमोसिडेस्टिसिटी मीन द वेरियंस ऑफ एरर टर्म should be the same with the variance of independent variables. तो हम इसमें residuals error term का जो variance है उसका plot check करते हैं कि वो normal आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। save में भी बहुत सारे महालानोस bees cooks adjusted और ये predicted values जो हैं unstandardized standardized, ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या होते हैं। रेजिडुअल्स की बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बीटा डिफिट, ये सब एडवांस लेवल के हैं, आप लोगों को जब एडवांस लेवल का रिग्रेशन करेंगे तब आपको समझ में आएगा, मैं आपको बेसिक लेवल का रिग्रेशन रन करके बताऊँ। हमने लास्ट क्लास में भी यही रन किया था, मेथड कौन सा यूज़ किया है, एंटर मेथड यूज़ किया है, जिसके ज़रिए से मॉडल की समरी आई थी जिसमें डर्बिन वॉटसन था 2.09,
सही है, पहले जो डर्बिन वॉटसन था वो 1.07 आ रहा था इस स्टूडेंट का, अब मैंने डेटा चेंज करके रन किया तो 2.09 आना शुरू हो गया। तो वैल्यू जो है शुड बी नियर टू 2 होनी चाहिए, 1.7। अजान हो रही है, अजान के बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी, तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग जो थे आपको रिग्रेशन बता रहा था, एनालाइज में जाएंगे, रिग्रेशन में जाएंगे, लीनियर में जाएंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल में डिपेंडेंट लिखेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल डालेंगे, तमाम ऑप्शन वही सारे चेक करेंगे, उसके बाद ओके प्रेस कर देंगे। ओके प्रेस करेंगे तो आपके पास आउटपुट आएगा ये। डर्बिन वॉटसन आपको क्या बताता है? ऑटो कोरिलेशन। तो वैल्यू जो है 1.7 से 2.3 के दरमियान हो तो इट मीन्स के ऑटो कोरिलेशन, देर इज नो ऑटो कोरिलेशन। अगर वैल्यू 2.3 से ज़्यादा आ रही है तो इट मीन्स के ऑटो कोरिलेशन का इशू है। तो डेटा को ज़रा अच्छी तरह से देखें, अगर कोई उसमें मसले मसाइल हो तो फिर आप उसको रिमूव करें। रमज़ान की क्लास टाइमिंग जो है वो 3:30 बजे से होंगी आई थिंक। आप लोगों को वो रमज़ान का वो नोटिफिकेशन आ गया, आप लोगों के ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा जी, इसके अलावा ये आर क्या होता है? आर स्क्वायर क्या होता है? एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या होता है? ये आर स्क्वायर जो होता है ये पूरे मॉडल का वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा होता है। आर स्क्वायर इज इम्पॉर्टेंट। आर स्क्वायर की वैल्यू जो है जितनी ज़्यादा होगी इट मीन्स के मॉडल उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या होता है? आर स्क्वायर मैंने क्या बताया है, आर की वैल्यू 836 है, आर स्क्वायर की वैल्यू 0.69 है। इट मीन्स के 69% ऑफ द वेरियंस इज एक्सप्लेन बाई दिस मॉडल। तो ये जो मॉडल हमने रन किया है जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल था, तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, तो आर स्क्वायर जो था वो 0.69 आ रहा है। तो ये वही 1 के करीब वैल्यू है, जितना ज़्यादा 0.7, 0.8, 0.9 होगा, जितना ज़्यादा वेरियंस एक्सप्लेन होगा उतनी अच्छी चीज़ है। तो 0.3 भी आ सकता है, वीक वेरियंस भी आ सकता है। एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या होता है? एक्चुअली आर स्क्वायर आता क्या है, अगर हम जितने ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपने मॉडल में ऐड करते रहेंगे आर स्क्वायर उतना बढ़ता रहेगा। गौर से सुनिएगा, जितने ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम अपने मॉडल में ऐड करते रहेंगे आर स्क्वायर की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। अभी तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मैं कोई चौथा ऐड कर दूँ, पाँचवा ऐड कर दूँ, छठा ऐड कर दूँ, तो आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ जाएगी। एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या देता है, देखता है कि जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐड हुए हैं वो सब डिपेंडेंट वेरिएबल से कोरिलेटेड हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर से कम हो जाती है। अगर वो डिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड हैं, कोरिलेटेड हैं, तो एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसी इसी टॉपिक को देखूं जिसमें जेंडर बेस्ड बाइंग बिहेवियर है, इसमें हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या लिया हुआ है, एक इंडिपेंडेंट इन शॉपिंग इन्वायरमेंट लिया है, ट्रेट लिया है, सैलरी ली हुई है, इसमें मैं एक एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ऐड कर देता हूं, उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम होगा, क्या नाम होगा, उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम होगा लेबर, लेबर कैपेसिटी। एक और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐड करता हूँ, उसका नाम होगा क्या नाम होगा उसका, कार आई ऑन माई व्हीकल। अब मैंने दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐड किए हैं, अब मैं जब इस मॉडल को रन करूँगा ना तो मेरा आर स्क्वायर बढ़ जाएगा, लेकिन आर स्क्वायर मेरा बढ़ जाएगा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखेगा, वो देखेगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ गए हैं तो वो आर स्क्वायर को इंक्रीज कर देगा। सही है, तो लेट सपोज, लेकिन एडजस्टेड आर स्क्वायर को वो कम कर देगा। कम क्यों कर देगा, वो ये देखेगा कि ये दो वेरिएबल जो हैं ये टॉपिक से रिलेटेड हैं भी या नहीं, लेबर कैपेसिटी का जेंडर बेस्ड बाइंग बिहेवियर से क्या ताल्लुक,
जब कोई ताल्लुक नहीं होगा तो एडजस्टेड आर स्क्वायर आपका डिक्रीज हो जाएगा इंक्रीज होने के बजाय। फिर वो दूसरे वेरिएबल को देखेगा कि आप कोई भी व्हीकल ऑन करते हो उसका जेंडर बेस्ड बाइंग बिहेवियर से कोई ताल्लुक नहीं होगा। जब कोई ताल्लुक नहीं मिलेगा तो एडजस्टेड आर स्क्वायर और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो एडजस्टेड आर स्क्वायर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो क्या देखता है कि मॉडल जो है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो अच्छी आनी चाहिए। तो पॉइंट यहाँ पे आ रही है 6.658। इट मीन 65.8% ऑफ द वेरियंस इज एक्सप्लेन्ड बाय दिस मॉडल। ये पूरे मॉडल का वेरियंस एक्सप्लेन कर रहा है। ये किसी एक वेरिएबल या एक क्वेश्चनियर के स्टेटमेंट का वेरियंस एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। ई एफ ए जो है वो एक स्टेटमेंट का वेरियंस एक्सप्लेन कर रहा था, पूरे मॉडल का नहीं कर रहा था। सही है। तो ये जो है एडजस्टेड आर स्क्वायर पूरे मॉडल का वेरियंस एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये आपका अच्छा आ रहा है, इस मॉडल में 0.65 अच्छा आ रहा है। तो जितना ज़्यादा अच्छा आ रहा हो वन, तो उतना ज़्यादा वैल्यू जो होती है वो अच्छी होती है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन, ये वो ये इस एरर की एस्टिमेशन होती है कि आपने इस मॉडल के अंदर कितना एरर कंसिडर किया है। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। अनोवा सेकंड टेबल जो है वो अनोवा, तो इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे। आर स्क्वायर आपका 69% आ रहा है, एडजस्टेड आर स्क्वायर 0.65। इट मीन्स द 65.8% ऑफ द वेरियंस इज एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल। सेकंड टेबल समझ आ गई। नेक्स्ट में सर SPSS में स्पेक कैसे आता है, SPSS में स्पेस कैसे आता है, समझ नहीं आई साकी। तो मैं जो हूँ ये जो एडजस्टेड आर स्क्वायर है ये देखता है, मैंने कहा ये पूरे मॉडल का वेरियंस है। आर स्क्वायर, सिंपल आर स्क्वायर जो है वो क्या देखता है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने ऐड हुए हैं। मैं यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज कर देता हूँ, पहले तीन थे मैंने दो और इंक्रीज कर दिए, तो मेरा सिंपल आर स्क्वायर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा भाई मेरा मॉडल तो बहुत ज़बरदस्त हो गया। नहीं, फिर जो दूसरा एडजस्टेड आर स्क्वायर है ये इम्पोर्टेंट है, ये चेक करेगा कि ये जो दो एक्स्ट्रा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐड किए हैं ये टॉपिक से रिलेटेड हैं भी या नहीं, या आपने अपनी तरफ से ऐड कर दिए। अगर टॉपिक से रिलेटेड होंगे तो आपका एडजस्टेड आर स्क्वायर इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं होंगे, जिस तरह से मैंने ऐसे वेरिएबल लिए जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, अब मैं मॉडल की रिग्रेशन रन करूँगा तो मेरा एडजस्टेड आर स्क्वायर डिक्रीज हो जाएगा। तो एडजस्टेड आर स्क्वायर जो है वो एडजस्ट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, एडजस्ट करता है, वो चेक करता है कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो ऐड हुए हैं वो कोरिलेटेड हैं या नहीं। आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर जितना वन के करीब होगा तो सही होगा। जी हाँ, उतना ही मॉडल जो है वो अच्छा होगा। पॉइंट वही 0.7 से अबव होगा तो मॉडल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, 0.4 से 0.7 के बीच में होगा तो मॉडरेट होगा, 0.3 से कम होगा तो इट मींस कि इतना ज़्यादा वेरियंस एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, वीक वेरियंस एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन जितना भी कर रहा होगा वो आपको शो करना होगा, जस्टिफाई करना होगा। नेक्स्ट टेबल अनोवा, अनोवा में आपको मॉडल पूरे मॉडल की सिग्निफिकेंस बताता है। सिग्निफिकेंस 0.05 से कम होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट 0.05 से कम आ रही है तो इट मींस के मॉडल जो है वो सिग्निफिकेंट है। एफ़ वैल्यू जो है वो 2 से अबव आनी चाहिए, एफ़ वैल्यू जो है वो 2 से अबव आ रही है तो इट मींस के मॉडल इज सिग्निफिकेंट। सम ऑफ स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन स्क्वायर, ये भी चीज़ें होती हैं लेकिन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तमाम वेरिएबल्स का सम ऑफ स्क्वायर लेता है, उसके बाद उनको रिग्रेस करता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, एरर, जो मार्जिन ऑफ एरर होता है 5%, 10%, 1%, उसको ऐड करता है, फिर पूरे मॉडल को रन करता है। तो अनोवा जो है वो पूरे मॉडल को, यहाँ नीचे बता रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल जेंडर बेस्ड बाइंग बिहेवियर, प्रिडिक्टर्स कौन कौन से हैं, कॉन्स्टेंट होता है, सैलरी होती है, इन्वायरमेंट होती है, ट्रेड होता है। तो ये तीन जो है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। सर हमें ऐड करने होंगे मोर वैल्यू, नहीं ऐड नहीं करने होंगे, सिर्फ समझा रहा हूँ मैं आपको कि आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर की इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है।
एडजस्टेड आर स्क्वायर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि 65.8% ऑफ द वेरियंस इज एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल. इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि सिग्निफिकेंट मॉडल इज सिग्निफिकेंट बिकॉज द प्रोबेबिलिटी, ये जो होती है ना सिग्निफिकेंट वैल्यू, ये प्रोबेबिलिटी बताती है. प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.05 से कम आनी चाहिए, तो सिग्निफिकेंट 0.05 से कम आएगी तो मॉडल जो है वो 0.000 आ रही है, तो इट मींस के मॉडल इज सिग्निफिकेंट. एफ वैल्यू जो है वो 2 से ज़्यादा आ रही है, तो इट मींस के मॉडल इज सिग्निफिकेंट. सही है. यहाँ पे हम आ जाते हैं जहाँ पे हमने वी आई एफ चेक किया था. इस वाले टेबल में मैंने आपको लास्ट क्लास में वी आई एफ बताया था कि वी आई एफ जो है वो 4 से ज़्यादा अबव नहीं आना चाहिए. यहाँ 1.4 आ रहा है, 2.0. अगर 4 से अबव आ रहा हो तो इट मींस के मल्टी कोलिनियरिटी है. 4 से अबव नहीं आ रहा तो इट मींस के देर इज़ नो मल्टी कोलिनियरिटी. हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% होता है, 90% होता है, 99% होता है. मार्जिन ऑफ एरर जो है वो 5%, 10% और 1% होता है. तो हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.05 से कम होनी चाहिए. हमारा CL 5% है तभी ये 0.5 से कम होना चाहिए. एग्जैक्टली मार्जिन ऑफ एरर जो है हमारा 0.5 से कम आना चाहिए. सर ये A और B लिखा है एक्सपोनेंट में, ये बीटा वैल्यूज़ की सिग्निफिकेंट होती है. ये मैं आपको बताता हूँ ये B क्या है. ये बीटा वैल्यूज़ की आती है. ये R की वैल्यू A लिखा हुआ है या B लिखा हुआ है ये पता नहीं क्या चीज़ होती है. ये भी मुझे नहीं पता. ये सिर्फ SPSS में आ रहा होता है. शायद ये वैल्यू बता रहा होता है कि ये वैल्यू A B ये इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं और पता नहीं क्या चीज़ है. मॉडल समरी B एनोवा A, बाकी इसके ऊपर भी ये आ रहा है, ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये नहीं पता मुझे. अच्छा मैंने ये VIF आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था. अच्छा इसमें एक चीज़ होती है सिग्निफिकेंस, ये होती है टी वैल्यू, ये होता है बीटा वैल्यूज. ये अनस्टैंडर्डाइज बीटा होता है और ये स्टैंडर्डाइज बीटा होता है. अनस्टैंडर्डाइज और स्टैंडर्डाइज बीटा में क्या फ़र्क होता है? ये अनस्टैंडर्डाइज बीटा जो होता है इसके अंदर मार्जिन ऑफ एरर इंक्लूड नहीं होता. ये जो स्टैंडर्ड एरर है ये इंक्लूड नहीं होता. जब इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है तो स्टैंडर्डाइज एरर की वैल्यूज आती है, लेकिन हम यहाँ पे अनस्टैंडर्डाइज एरर की लेते हैं. ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं आप. स्टैंडर्डाइज लेंगे तो इसको एक्सप्लेन करेंगे, अनस्टैंडर्डाइज वैल्यूज बीटा की लेंगे तो इसको भी. तो ये बीटा वैल्यूज कहलाती हैं. अनस्टैंडर्डाइज और स्टैंडर्डाइज दोनों बीटा की वैल्यूज कहलाती हैं. सही है. ये जो है प्रिडिक्ट कर रही होती हैं, ये वैल्यू जो है ये प्रिडिक्शन दे रही होती हैं. किसकी? जेंडर बेस्ड बाइंग बिहेवियर की. ये वैल्यू जो है ये पॉजिटिव आ रही है 0.350, इट मींस के 35%. अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इट मींस के अगर शॉपिंग एनवायरनमेंट बढ़ेगा, 1% इंक्रीज इन शॉपिंग एनवायरनमेंट विल इंक्रीज द जेंडर बेस्ड बाइंग बिहेवियर बाय 35%. ये इम्पोर्टेंट है इसकी इंटरप्रिटेशन. मैं आपको बताता हूँ ये कोएफिशिएंट VIF मैंने आप लोगों को बता दिया था, ये डर्बिन वॉटसन बता दिया था, होमोसेडेस्टिसिटी बता दिया था, कोरिलेशन मैंने बता दिया था. ये एडजस्टेड आर स्क्वायर ये यहाँ पे अगर मैं दूसरे डेटा को रन करूँ तो 0.32 आ रही है. आर स्क्वायर की वैल्यू 0.327 आ रही है. एडजस्टेड आर स्क्वायर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर एडजस्ट कर रहा है, 0.320 आ रही है. इट मींस शोज दैट 32% ऑफ द वेरियंस इज एक्सप्लेन बाय द मॉडल, ऑफ द वेरियंस ऑफ द मॉडल इज एक्सप्लेन. सही है. सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है वो लेस देन 0.05 होनी चाहिए तो मॉडल इज सिग्निफिकेंट. एफ वैल्यू इज 47.8%. ये भी एफ वैल्यू भी अच्छी आ रही है. ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया. ये जो बीटा है ये बीटा वैल्यूज़ हैं और ये टी वैल्यूज़ हैं, ये सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ हैं. वी आई एफ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ. सही है. यहाँ पे मैंने स्टैंडर्डाइज इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, टी वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंट बताती है. टी वैल्यू मस्ट बी मोर देन 2,
अगर वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो इट मींस के प्रिडिक्शन जो है वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, अगर 2 से ज़्यादा नहीं है तो इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट नहीं है। मैं आपको इमरान रिपीट करके बताता हूँ, तो टी वैल्यू जो है 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। जिस वेरिएबल की टी वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.05 से लाजमी कम होगी। तो ये 0.05 से कम आ रही हैं तो इट मीन्स कि ये इम्पैक्ट जो है सिग्निफिकेंट है। स्टाफ कंट्रोलिंग का इम्पैक्ट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के ऊपर, एम्प्लॉय जॉब परफॉर्मेंस के ऊपर सिग्निफिकेंट है। टी की वैल्यू जो है वो 2 से ज़्यादा आनी चाहिए, सिग्निफिकेंट की वैल्यू 0.05 से कम आनी चाहिए। सही है, ये आप लोगों को पता है। इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, ये जो 0.198 अनस्टैंडर्डाइज है इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे। द अबव टेबल शो दैट 1% इंक्रीज इन स्टाफ कंट्रोलिंग, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, स्टाफ कंट्रोलिंग, वन स्टाफ कंट्रोलिंग में 1% इंक्रीज होगा तो एम्प्लॉय की जॉब परफॉर्मेंस में 19.8% तक इंक्रीज हो जाएगा। तो हम प्रिडिक्शन क्या दे रहे हैं कि अगर आपने स्टाफ की कंट्रोलिंग स्ट्रॉन्ग कर दी तो एम्प्लॉय की जॉब परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाएगी, ट्रेनिंग इंक्रीज होगी। 1% इंक्रीज, 1% इंक्रीज इन स्टाफ ट्रेनिंग विल इंक्रीज द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बाई 28.4%, ये 28.4% तक इंक्रीज हो जाएगी। जॉब डिज़ाइन को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, 1% इंक्रीज इन जॉब डिज़ाइन विल इंक्रीज द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बाई 27.7%। तो सारे जुमले जो हैं वो स्टार्ट कैसे होंगे, 1% इंक्रीज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, 1% इंक्रीज इन स्टाफ ट्रेनिंग, 1% इंक्रीज इन शॉपिंग एनवायरनमेंट। मैं इसको इंटरप्रेट करता हूँ, सही है ये बेटा। तो मैं कैसे, 1% इंक्रीज इन शॉपिंग एनवायरनमेंट विल इंक्रीज द जेंडर बेस्ड बाइंग बिहेवियर बाई 35%। ई वैल्यू जो है वो 2 से कम है, 1.9 आ रही है, इस वजह से सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है 0.05 से ज़्यादा आ रही है। तो इम्पैक्ट जो है टी वैल्यू 2 से ज़्यादा आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे टी वैल्यू 2 से कम आ रही है, टी टू, तो टी वैल्यू हमेशा 2 से ज़्यादा आनी चाहिए। तो यहाँ पे इसकी भी कम आ रही है, सिर्फ ट्रेड की टी वैल्यू 2 से ज़्यादा आ रही है, सैलरी की वैल्यू 2 से कम आ रही है। तो सैलरी और इन्वायरमेंट का जो इम्पैक्ट है वो इनसिग्निफिकेंट है, अगर 2 से ज़्यादा होती तो इम्पैक्ट जो होता वो सिग्निफिकेंट होता। तो हमारा हाइपोथेसिस क्या था कि देर इज ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ शॉपिंग एनवायरनमेंट ऑन जेंडर बेस्ड बाइंग बिहेवियर। तो टी की वैल्यू 2 से कम आ रही है तो हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, ट्रेड में जो है वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आ रहा है। इसको कैसे इंटरप्रेट करूँगा, 1% इंक्रीज इन ट्रेड, पर्सनल ट्रेड विल इंक्रीज द जेंडर बेस्ड बाइंग बिहेवियर बाई 54.3%। इम्पैक्ट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज द टी वैल्यू इज मोर देन 2 एंड पी वैल्यू, पी प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो है वो 0.05 से कम आ रही है एंड देर इज नो मल्टीकोलिनियरिटी एज वेल। सही है, तो ये पूरी लाइन मेरी एक्सप्लेन हो गई अनस्टैंडर्डाइज बीटा से कि 1% इंक्रीज इन शॉपिंग ट्रेड विल इंक्रीज। तो मैं प्रिडिक्शन दे रहा हूँ कि अगर आपकी नेचर के अंदर शॉपिंग ट्रेड इंक्रीज हो जाए, 1% इंक्रीज हो जाए तो जेंडर बेस्ड बाइंग बिहेवियर 54% तक इंक्रीज हो जाएगी। मैंने क्या दी, प्रिडिक्शन दी। तो मेरा हाइपोथेसिस क्लेम भी यही थे कि सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है और यहाँ से मुझे पता चल गया कि जी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आ रहा है। सैलरी, सैलरी को कैसे एक्सप्लेन करूँगा, 1% इंक्रीज इन सैलरी विल इंक्रीज माई जेंडर बेस्ड बाइंग बिहेवियर। तो ये सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही हैं इस वजह से इंक्रीज, अगर यहाँ पे नेगेटिव लिखा होता तो कैसे इंटरप्रेट करता, 1% इंक्रीज इन सैलरी विल डिक्रीज माई जेंडर बेस्ड बाइंग, अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही होती तो। ये देखें कॉन्स्टेंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसको मैं क्या करूँगा, कॉन्स्टेंट को वैसे एक्सप्लेन नहीं करते, कॉन्स्टेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ लाजमी आती है। लेट सपोज ये कोई वेरिएबल होता तो इसको कैसे एक्सप्लेन करता, 1% इंक्रीज इन कॉन्स्टेंट
will decrease the gender based buying behavior by 29.1%. सही है, लेकिन कॉन्स्टेंट एक्सप्लेन नहीं करना है आपने. सही है, ये तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन करने हैं. सैलरी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? 1% इंक्रीज इन सैलरी विल इंक्रीज द जेंडर बेस्ड बाइंग बिहेवियर बाय 17.2%. फिर मैं चेक करूंगा इम्पैक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट है. टी वैल्यू इज लेस देन 2, इट मींस के इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट नहीं है. पी प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज मोर देन 0.05, तो ये सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं आ रहा. तो सैलरी और इन्वायरमेंट का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है, जबकि ट्रेड का जो इम्पैक्ट है वो सिग्निफिकेंट आ रहा है. तो इस तरह से बीटा को और इम्पैक्ट को एक्सप्लेन किया जाता है. नीचे जो है वो रेजिडुअल स्टैटिस्टिक्स है, वो होमोस्टेटिसिटी की ऑप्शन है. तो इस तरह से हम इम्पैक्ट को चेक करते हैं, रिग्रेशन में प्रिडिक्ट करते हैं. सर 1% कांस्टेंट है? 1% कांस्टेंट नहीं है बच्चे. 1% कहाँ से आ गया? 1% इंक्रीज का मतलब है कि 1% आप इस किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इंक्रीज कर दें तो डिपेंडेंट वेरिएबल में कितने परसेंट चेंज आएगा? सर आई लर्न ए लॉट फ्रॉम योर लास्ट टू लेक्चर्स एंड एंजॉयड व्हाइल परफॉर्मिंग ऑन SPSS. What does we mean by increase in gender-based buying behavior in real world? Real world में भी ये shop, ये जो topic है आपको real world के अंदर भी अगर आप खुद salary increase हो जाएगी तो आपकी gender-based buying behavior is also increase हो जाएगा. Male जो हैं, male की salary increase हो जाएगी तो male जो हैं वो ज़्यादा buy करेंगे. Environment, shopping environment अच्छा होगा तो ज़्यादा बाइंग होगी, बाइंग बिहेवियर बढ़ जाएगा. ट्रेड आपकी नेचर के अंदर ट्रेड ज़्यादा होगी तो आपकी बाइंग बिहेवियर जो है बढ़ जाएगा. अब मैं दूसरा मैं डेटा लेता हूँ जिसका हम ये प्रैक्टिस डेटा जिसमें हम एम्प्लॉय जॉब परफॉर्मेंस को रन कर रहे थे, इसको मैं रन करता हूँ. एनालाइज में जाऊँगा, रिग्रेशन में जाऊँगा, लीनियर में जाऊँगा. इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था? एम्प्लॉय परफॉर्मेंस. इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या थे? ये सारे कंट्रोल, कंपनसेशन, ट्रेनिंग, डिज़ाइन, एनवायरनमेंट, मल्टीटास्क, सब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे. स्टैट्स में जाऊंगा, कोलिनियरिटी डायग्राम डर्विन वॉटसन कंटिन्यू करो. प्लॉट्स में जाऊंगा और ये जेड पी रेजिडुअल, जेड रेजिडुअल और नॉर्मेलिटी प्लॉट, इसको रन करूँगा. ओके, ये मेथड जो है यहाँ पे आ रहा है, इंटर मेथड. इंटर मेथड पे मैं रन करूँगा तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है? डर्विन वॉटसन 1.7 आ रहा है, तो 2 करीब करीब है. इट मींस नो मल्टी. एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या बता रहा है? 28.5% ऑफ वेरियंस इज एक्सप्लेन्ड बाय दिस मॉडल. अच्छा, मेरा मॉडल जो है एफ वैल्यू 20 आ रही है, सिग्निफिकेंट आ रही है, 0.05 से अबव आ रही है प्रोबेबिलिटी, तो इट मींस के मॉडल मेरा सिग्निफिकेंट आ रहा है. नीचे आते हैं बीटा वैल्यूज़ पे. बीटा वैल्यू क्या बोली है? ये माइनस में आ रही है कंट्रोल. इसका क्या मतलब है? 1% इंक्रीज इन कंट्रोल विल डिक्रीज एम्प्लॉय जॉब परफॉर्मेंस बाय 5.5%. इम्पैक्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट. टी वैल्यू जो है वो 2 से कम आ रही है और सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.05 से ज़्यादा आ रही है. ये डिक्रीज तो कर देगी लेकिन इसका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट नहीं है. तो अगर हमारा हाइपोथेसिस बना हुआ था कि सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा तो इससे हमारा नल हाइपोथेसिस नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट और देर इज ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, तो हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा. कंपनसेशन क्या है? इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है बीटा वैल्यूज और 0.187 आ रहा है, तो इट मीन्स 18.7%. 1% इंक्रीज इन कंपनसेशन. सैलरी में 1% इंक्रीज हो जाएगा तो एम्प्लॉय की जॉब परफॉर्मेंस में 18.7% तक इंक्रीज हो जाएगा. इम्पैक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू भी 0.05 से कम है. तो अगर हम किसी भी एम्प्लॉय की इन प्रैक्टिकल लाइफ में भी सैलरी बढ़ा देंगे तो उसकी परफॉर्मेंस 18% तक बढ़ जाएगी. सही है, तो ये जिस ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है मैं अपने बॉस को जाके बताऊंगा, बॉस आप एम्प्लॉय की सैलरी 1% बढ़ा देंगे तो उनकी परफॉर्मेंस 18% तक इंक्रीज हो जाएंगी. तो बॉस तो बड़ा खुश होगा आपकी रिसर्च से कि यार आपने बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च की है. सही है,
आप प्रिडिक्ट करेंगे कि सर हम एम्प्लॉय की जॉब परफॉर्मेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, आप बोलेंगे सर आप कंपनसेशन सैलरी 1% बढ़ा दें तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस 18.7, अगर आप ट्रेनिंग बढ़ा देंगे तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बढ़ने के बजाय वो कम हो जाएगी, ये माइनस इम्पैक्ट आ रहा है, -0.034। 1% इंक्रीज इन ट्रेनिंग विल डिक्रीज द एम्प्लॉय जॉब परफॉर्मेंस बाई 3.4%। अब आप ये चेक करेंगे इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट है या नहीं, तो आप अपने बॉस को बताएंगे इम्पैक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा डिक्रीज नहीं होगी एम्प्लॉय की जॉब परफॉर्मेंस में, ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट मैटर नहीं करता है, तो सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है वो 0.05 से ज़्यादा आ रही है। डी स्टेक सप्लाई चेन क्वेश्चनेयर इफ फीजिबल, वही लकीर के फकीर सारे सप्लाई चेन का डेटा ले लें ताकि कोई मेहनत ना करनी पड़े। सर ट्रेनिंग से तो इंक्रीज होना चाहिए, निदा बिल्कुल सही कह रही है, ट्रेनिंग से इंक्रीज होना चाहिए लेकिन उसका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा है, तो जिन जिन वेरिएबल्स का इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा है उसको हम डिलीट कर सकते हैं, तो इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट होता तो फिर हमें पता होता कि वाकई हाँ ट्रेनिंग से जो है वो वाकई डिक्रीज हो रही है, तो ट्रेनिंग से जो है वो डिक्रीज हो रही है लेकिन इम्पैक्ट इतना सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा है, तो सिग्निफिकेंस होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ट्रेनिंग इम्पैक्ट इज लॉन्ग टर्म, हाँ शॉर्ट टर्म में हो सकता है वो सही ना आ रहा है, लेकिन हम हो सकता है ये जो इनसिग्निफिकेंट दो वेरिएबल, ये तीसरा डिज़ाइन भी इनसिग्निफिकेंट आ रहा है, इसको भी हम डिलीट करके दें, डिज़ाइन जॉब डिज़ाइन में चेंज करें तो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस 3.8%, लेकिन ये इम्पैक्ट भी सिग्निफिकेंट नहीं है। इन्वायरमेंट, वर्क इन्वायरमेंट को 1% इंक्रीज कर देंगे तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस 12.6% तक बढ़ जाएगी, इसका इम्पैक्ट भी सिग्निफिकेंट नहीं है, तो ये भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है। मल्टीटास्किंग को इंक्रीज कर देंगे तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस भी 36.5% तक इंक्रीज हो, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, 36% तक इंक्रीज हो रहा है। मल्टीटास्किंग को 1% इंक्रीज कर देंगे तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 36.5% तक इंक्रीज हो जाएगी, तो आप अपने बॉस को बताएंगे कि बॉस को बोलेंगे कि सर आप सैलरी भी इंक्रीज ना करें, अगर आपने मल्टीटास्किंग इंक्रीज कर दी तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस 36.5% तक इंक्रीज हो जाएगी, तो बॉस तो बोलेगा सैलरी इंक्रीज करो ना करो मल्टीटास्किंग ज़रूर इंक्रीज कर दो, तो आप बॉस को मशवरा देंगे नहीं सर आप कंपनसेशन और मल्टीटास्किंग दोनों इंक्रीज कर दें तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो है 36% भी इंक्रीज हो जाएगी और 18% भी इंक्रीज हो जाएगी। बट सर जब ट्रेनिंग तो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे, बिल्कुल सही कह रही हैं, मैंने जवाब दे दिया है, जबकि मल्टीटास्किंग की वजह से परफॉर्मेंस ख़राब होती है, मल्टीटास्किंग की वजह से परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जितने ज़्यादा आप मल्टीटास्किंग करते जाएंगे एक वक्त में दो काम करेंगे, एम्प्लॉय जो है एक वक्त में दो दो काम कर रहा होगा तो इट मींस कि उसकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। मल्टीटास्किंग रिड्यूसेस एफिशिएंसी इन रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड में जो है डिक्रीज़ हो सकती है लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ये डेटा जो था एनजीओ सेक्टर में था, एनजीओ सेक्टर में जितनी मल्टीटास्किंग हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है, एक बंदे से आप दो दो काम ले रहे हों तो वो उससे परफॉर्मेंस उसकी इंक्रीज हो, ये रियल में तो गलत होगा कि मल्टीटास्किंग बढ़ाएंगे बॉस, हाँ बिल्कुल गलत होना चाहिए। अब मैं इसको, अब जो इनसिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आ रहे हैं इनको मैं डिक्रीज कर देता हूँ, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ, मैं एनालाइज में जाऊँगा, रिग्रेशन में जाऊँगा, लीनियर में जाऊँगा, अब मुझे पता है किस किस का इम्पैक्ट इनसिग्निफिकेंट आ रहा है, ट्रेनिंग का इम्पैक्ट जो है ट्रेनिंग को मैं रिमूव कर दूँगा और जो है डिज़ाइन को जो है मैं रिमूव कर दूंगा, इन चार से मैं कंट्रोल कंपनसेशन एनवायरनमेंट इससे मैं रन करूंगा, अब मैं रिजल्ट देखूंगा क्या रिजल्ट आया। सही है, टी वैल्यू जो है कंट्रोल का, कंट्रोल जितनी ज़्यादा होगा उतनी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, टी वैल्यू इसकी भी इनसिग्निफिकेंट आ रही है, तो कंट्रोल की भी इनसिग्निफिकेंट आ रही है तो कंट्रोल को भी हम डिलीट, इसकी सिग्निफिकेंट हो गई, कंपनसेशन की भी सिग्निफिकेंट हो गई, एनवायरनमेंट की भी एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी आ जाएगी, मल्टीटास्किंग अच्छी होगी तो परफॉर्मेंस ये भी सिग्निफिकेंट,
तीन सिग्निफिकेंट आ गए, इट मींस कि ये चौथा वाला मसला कर रहा है। कंट्रोल को मैं रिमूव कर दूंगा, अब मैं मॉडल रन करूंगा तो मेरे पास तीनों की वैल्यू जो है, कंपनसेशन भी सिग्निफिकेंट हो गई, एनवायरनमेंट भी टू से ज़्यादा हो गई, मल्टीटास्किंग भी वैल्यू टू से ज़्यादा हो गई। लेकिन आपके पास इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है नहीं, इस वजह से आपके पास डिलीट करने का ऑप्शन है नहीं। सर रियल लाइफ में, जी रियल लाइफ में, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप रियल लाइफ में सैलरी इंक्रीज कर देंगे एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस 15.4% इंक्रीज हो जाएगी, इम्पैक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट है, सही है। आप वर्क एनवायरनमेंट इंक्रीज कर देंगे तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस 14.2% इंक्रीज हो जाएगी, इम्पैक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट आ रहा है। मल्टीटास्किंग अगर आप 1% इंक्रीज कर देंगे तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस 36.9% इंक्रीज हो जाएगी, इम्पैक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट आ रहा है। तो ये तीन वेरिएबल जो है इनका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट आ रहा है। तो आपका भी जो इनसिग्निफिकेंट वेरिएबल आ रहा होगा उसको आप रिमूव करके दोबारा रन करके उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। आपने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिमूव किया तो उसके नो मल्टी कोलिनियरिटी VIF भी सही आ रहा है, सिग्निफिकेंट वैल्यू भी 0.05 से सारी कम आ रही हैं, टी वैल्यू सब 2 से ज़्यादा आ रही हैं, इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा मल्टीटास्किंग का आ रहा है, मल्टीटास्किंग इंक्रीज होगी एनजीओ सेक्टर में तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, सही है। इस तरह से हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। अब ये जो वाला जो आपकी जेंडर बेस्ड बाइंग बिहेवियर है इसको मैं रन करता हूँ, एनालाइज किया, रिग्रेशन में गए, लीनियर में गए, ये तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इसको रन किया तो ये क्या बता रहा है कि जो ये सैलरी का जो सैलरी का इम्पैक्ट है ये इनसिग्निफिकेंट आ रहा है। मैं सिर्फ सैलरी को डिक्रीज करके देखता हूँ, सही है, बाकी इन्वायरमेंट तकरीबन 2 आ रही है, मैं इसको डिक्रीज करके फिर चेक करता हूँ इन्वायरमेंट और ट्रेड को। एनालाइज में जाऊँगा, रिग्रेशन में जाऊँगा, लीनियर में जाऊँगा, सैलरी को मैं रिमूव कर देता हूँ, इन दोनों का इम्पैक्ट चेक करता हूँ। तो देखें आप, इन्वायरमेंट इंक्रीज़ हुआ, इसका इम्पैक्ट भी सिग्निफिकेंट हो गया, ट्रेड का इम्पैक्ट भी सिग्निफिकेंट हो गया। अगर शॉपिंग इन्वायरमेंट 1% इंक्रीज़ हो जाए तो आपकी बाइंग बिहेवियर 37% इंक्रीज़ हो जाता है। अगर आपकी ट्रेड, आपकी नेचर के अंदर बाइंग है वो 1% इंक्रीज़ हो जाए तो जेंडर बेस्ड बाइंग बिहेवियर 64% तक इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आप जेंडर बेस अपने दोस्तों को क्या बोलेंगे कि या तुम्हारी नेचर के अंदर अगर बाइंग बिहेवियर है ना वो किसी तरह से बढ़ जाए, तुम्हारी कंजूसी ख़त्म हो जाए, तो फिर तुम ना सारी चीज़ें बाय कर सकते हो, सही है। अगर शॉपिंग एनवायरनमेंट, आप किसी ऐसे शॉपिंग मॉल में जाएं जहां पे वाकई ख़रीदने का माहौल हो, अच्छा माहौल हो, शॉपिंग करने में मज़ा आ रहा हो, तो आप एक ड्रेस लेने के बजाय दो दो तीन तीन चीज़ें ख़रीद लेते हैं। शॉपिंग एनवायरनमेंट अगर अच्छा हो तो ये क्या बता रहे थे, बाइंग बिहेवियर वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। सर व्हाई वी डिलीट द वेरिएबल, क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो था वो सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा था, इस वजह से हमने डिलीट किया। इस तरह से आप खेल सकते हैं रिग्रेशन से, आप हर वेरिएबल को ऐड डिलीट करके देख सकते हैं कि कौन सा मॉडल फिट आ रहा है। आप सप्लाई चेन का जो वेरिएबल है, मैं यहाँ पे सप्लाई चेन का डेटा मैं ओपन करता हूँ, ये ग्रीन लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, ये आपका सप्लाई चेन का टॉपिक है, इस पर मैं एनालाइज करता हूँ, रिग्रेशन लगाता हूँ, लीनियर लगाता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस डिपेंडेंट, बाकी ये तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी था, पता नहीं कहाँ गया गवर्नमेंट पॉलिसी, खैर वो भी ऐड होंगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ऐड होगा। प्लॉट में ZP रेड, अब मैं आउटपुट देखूंगा, डर्विन वॉटसन इस वाले डेटा का सही नहीं आ रहा है, इस डेटा एडजस्टेड आर स्क्वायर कितना है 21.3%, इट मींस के 21.3% ऑफ द वेरिएंस इज एक्सप्लेन।
मॉडल जो है इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा है, तो 0.05 से कम ही आ रही है वैल्यू प्रोबेबिलिटी, तो मॉडल जो है वो सिग्निफिकेंट है, एफ वैल्यू जो है 2 से ज़्यादा है तो मॉडल जो है वो सिग्निफिकेंट ही आ रहा है। VIF सारी कम है, अब ग्रीन लॉजिस्टिक का इम्पैक्ट जो है वो इनसिग्निफिकेंट आ रहा है, रिवर्स लॉजिस्टिक का भी इनसिग्निफिकेंट आ रहा है, रिसाइकिलिंग का भी इनसिग्निफिकेंट आ रहा है, ये डेटा जो है इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो इसमें जो है सारे नल हाइपोथेसिस जो हैं एक्सेप्ट हो जाएंगे। देर इज़ नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन लॉजिस्टिक ऑन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। 1% इंक्रीज इन ग्रीन लॉजिस्टिक विल इंक्रीज द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस बाई 24.2%, लेकिन इम्पैक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। इंक्रीज तो हो जाएगी लेकिन सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं है। रिवर्स लॉजिस्टिक जो है वो 13.7% तक इंक्रीज हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, लेकिन इम्पैक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। रिसाइकिलिंग करने से ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस 18.2% तक इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है। सबसे कम जो है रिवर्स लॉजिस्टिक की आ रही है, मैं रिवर्स लॉजिस्टिक को रिमूव करता हूँ, रिग्रेशन में जाएंगे, रिवर्स लॉजिस्टिक को रिमूव करके इन दो पे रन करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ क्या आ रहा है वेरिएबल। इन दो की ग्रीन लॉजिस्टिक की 1 point कुछ t वैल्यू जो है बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी 2 से कम ही आ रही है। तो आप लोगों का जो जो भी आपके रिजल्ट आ रहे होंगे उसको आप इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे और हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। अगर हर एक स्टेप पर डिलीट करते रहेंगे वेरिएबल्स तो लास्ट में तो मुश्किल से एक वेरिएबल। जी निदा साहिबा, क्योंकि आप लोगों के इंडिपेंडेंट वेरिएबल इतने ज़्यादा थे नहीं भाई, मैंने आप लोगों को बिल्कुल बेसिक लेवल की रिसर्च सिखाई है। अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा होता तो बड़े एडवांस लेवल की बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लेते और फिर हम चेक करते। तो बिल्कुल बेसिक लेवल की आपके पास इतने ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट डज स्टैंड फॉर, किस लिए सेलेक्ट करते हैं हकीम साहब? होमोसिडेस्टिसिटी के लिए रेजिडुअल्स की वैल्यू सेलेक्ट की जाती है। वाई नॉट अदर्स? क्योंकि ये रेजिडुअल्स का जी स्कोर चेक करता है, रेजिडुअल्स की नॉर्मेलिटी चेक करता है, तो रेजिडुअल्स के ही वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे। इन दिस केस अनोवा और इसका रिजल्ट आर कॉन्ट्रोवर्शियल, प्लीज़ एक्सप्लेन वाई। आर स्क्वायर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा क्योंकि डेटा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, आप लोगों के डेटा इतना ज़्यादा क्वान्टिटी में ज़्यादा नहीं है, इस वजह से रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे। होम मैनी वेरिएबल्स आर आउट टू बी इन आवर मॉडल आफ्टर डिलीटिंग? एटलीस्ट 3 तो होने चाहिए, जो SCM है उसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी ऐड है, तो आपके 3 या 2 तो लाजमी होने चाहिए। तो मिनिमम जो हैं वो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लाजमी तौर पर होने चाहिए, लेकिन आप लोगों के ऑलरेडी हैं ही 3, तो फिर डिलीट करने का इतना ऑप्शन नहीं होगा। इस वजह से आपके जो भी हाइपोथेसिस हैं उसको आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप रिग्रेशन के थ्रू खेल सकते हैं। खेलने से मुराद ये है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिक्रीज निकाला, दूसरे को डाला, फिर तीसरे को रिमूव किया, चौथे को डाला, चौथे को रिमूव किया, इस तरह हर कॉम्बिनेशन से रिग्रेशन को रन कर सके दे सकते हैं। जिस जिस कॉम्बिनेशन में सबसे अच्छा रिजल्ट आ रहा हो उसको आप अपने एनालिसिस में लिख सकते हैं, लेकिन आपको हर एनालिसिस देना पड़ेगा कि मैंने ये कॉम्बिनेशन ट्राई किया इसमें सिग्निफिकेंट नहीं आया, मैंने ये कॉम्बिनेशन ट्राई किया इसमें भी सिग्निफिकेंट, मैंने ये कॉम्बिनेशन ट्राई किया इसमें थोड़ा बहुत बेहतर रिजल्ट आ रहे थे, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आ रहे थे, इस वजह से मैंने इस मॉडल को चूज़ किया। तो सारी जस्टिफिकेशन आपको देनी होती है, ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट परफेक्ट आए भाई। किसी भी रिसर्चर के रिजल्ट परफेक्ट नहीं आते, रिसर्चर जो है वो अपने रिजल्ट जो है वो छुपाता है या उसको जस्टिफाई करता है कि मेरा डेटा ज़्यादा नहीं था, या क्वेश्चनेयर फिल करने वाले उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा नहीं थी, मिसिंग वैल्यू ज़्यादा थी, वेरिएंस डेटा के अंदर नहीं था, नॉर्मेलिटी अच्छी नहीं आ रही थी, आउटलायर ज़्यादा थे जिसकी वजह से रिजल्ट सही नहीं आ रहे, तो ये सारी जस्टिफिकेशन दी जाती है। अच्छा, जो लोग लॉग और एलएन ले रहे हैं तो वो भी रिग्रेशन में फिर लॉग वाले वेरिएबल ऐड करेंगे, कोरिलेशन में भी फिर वो लॉग वाले वेरिएबल
ऐड करेंगे और उसकी इंटरप्रिटेशन लिखेंगे. इंटरप्रिटेशन सारी सेम यही होगी, 1% इंक्रीज. आप देखें ये मैंने तमाम वेरिएबल्स इंक्रीज किए, तो इसमें जो एक स्टाफ कंपनसेशन वाला जो है वो 1.9 आ रहा है, 2 से वैल्यू कम आ रहा है. इस कंपनसेशन को मैं डिलीट करूँगा, बाकी सब जो है सिग्निफिकेंट आ रहे हैं. मैंने कंपनसेशन को डिलीट कर दिया तो बाकी सब वेरिएबल जो हैं वो टी वैल्यू उनकी 2 से ज़्यादा हो गई तो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आ रहे हैं. स्टाफ कंट्रोलिंग, जॉब डिज़ाइन, वर्क एनवायरनमेंट, मल्टीटास्किंग, सब पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, सब इंक्रीज कर रहे हैं. कैसे इंटरप्रेट करेंगे? 1% इंक्रीज इन स्टाफ कंपनसेशन विल इंक्रीज द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बाय 8.1%. सही है, 1% इंक्रीज इन स्टाफ ट्रेनिंग विल इंक्रीज द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बाय 16.2%. 1% इंक्रीज इन जॉब डिज़ाइन विल इंक्रीज एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बाय 14.7. 1% increase in work environment will increase 14.1%. increase in multitasking will increase employee performance by 22.8%. सबके impact जो है वो significant है, सिवाय यहाँ staff compensation के ये impact significant नहीं आ रहा है. सही है, बाकी सब 6.05 से कम values आ रही है. VIF भी सही आ रहा है. तो इस तरह से आपकी पूरी research complete हो जाएगी और आप इस तरह से अपना एनालिसिस कंप्लीट करेंगे. आपने हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे कोरिलेशन की बेस पे और रिजल्ट लिखेंगे कि आपने पूरी रिसर्च की, ये 3 इंडिपेंडेंट और ये 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इंपैक्ट है, क्या डिपेंडेंट वेरिएबल पे कुछ का इंपैक्ट सिग्निफिकेंट आ रहा है, कुछ का इनसिग्निफिकेंट आ रहा है, सिग्निफिकेंट क्यों आ रहा है, उसकी वजह क्यों हो सकती है, इनसिग्निफिकेंट क्यों आ रहा है, उसकी क्या वजह जस्टिफिकेशन है, वो सब कुछ लिखेंगे और आप उसको 1% इंक्रीज करके एक्सप्लेन करेंगे. सर अगर सिग्निफिकेंट की वैल्यू 0.005 से अबव आएगी तो वो वेरिएबल इंपैक्ट करेगा और इंटरप्रिटेशन में वो H1 कंसीडर और लेस देन 0.05. 0.005 नहीं है, 0.05 है, 5% जिसे कहते हैं ना, 5% को 5 को डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.05 आएगा. तो 0.05 है, then has not no impact, am I right? ये मुझे नहीं, बिल्कुल भी नहीं समझ आया. सर अगर सिग्निफिकेंट की वैल्यू 0.05 से अबव आएगी तो इट मीन्स के इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट नहीं है, वो वेरिएबल इम्पैक्ट करेगा नहीं करेगा, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं, इम्पैक्ट तो कर रहा है. 0.05 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है तो इम्पैक्ट तो कर रहा है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं कर रहा. तो द वर्ड सिग्निफिकेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने हाइपोथेसिस में भी वर्ड जो था वो सिग्निफिकेंट ऐड किया था कि सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है या नहीं है. इम्पैक्ट तो आ रहा होगा, कोई ना कोई इम्पैक्ट तो आ रहा है, लेकिन सिग्निफिकेंट आ रहा है या नहीं आ रहा वो प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.05 से कम होनी चाहिए. H1 कंसीडर और लेस देन 0.05 होगा तो नो इम्पैक्ट, तो 0.05 से कम होगी तो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा. तो इट मीन्स कि H1 को एक्सेप्ट किया जाए. नल हाइपोथेसिस आपका क्या था? मैं हाइपोथेसिस फिर आपको ओपन करके बताता हूँ. हाइपोथेसिस आपके क्या थे? देर इज H0 क्या है? देर इज नो सिग्निफिकेंट कोरिलेशन. अगर कोरिलेशन सिग्निफिकेंट नहीं आ रही है, नो सिग्निफिकेंट कोरिलेशन, तो हम H0 को एक्सेप्ट कर लेंगे. अगर सिग्निफिकेंट कोरिलेशन आ रही है, हमारा H1 क्या है? देर इज ए सिग्निफिकेंट कोरिलेशन, और अगर कोरिलेशन सिग्निफिकेंट आ रही है तो हम H1 को एक्सेप्ट कर लेंगे. इम्पैक्ट वाला क्या था? देर इज नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ रिवर्स लॉजिस्टिक टुवर्ड्स अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस. अगर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं आ रहा तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आ रहा हुआ तो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो जाएगा. दूसरा क्या था? देर इज नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन लॉजिस्टिक और देर इज ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट. अगर ग्रीन लॉजिस्टिक का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आ रहा है, 0.05 से वैल्यू कम आ रही है, तो इट मीन्स के इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट है, तो हम H1 को एक्सेप्ट करेंगे. जिस वेरिएबल आई सर, अगर रिसर्च में इतनी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं तो कंपनीज इतना पैसा रिसर्च पे
क्यों लगाती हैं? सही, सर जिस वेरिएबल की वैल्यू 2 से अबव होगी तो उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.5 से कम ही होगी, लाजमी तौर पर कम होगी। काशिफ, जिसकी टी वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी उसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू हमेशा 0.05 से कम होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि टी वैल्यू और पी वैल्यू आपस में लिंक होते हैं, तो जिनकी टी वैल्यू 2 से ज़्यादा हो उसकी उसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.05 से लाजमी कम होगी। तो आप मैन्युअली अपनी वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते हाथ से। तो रिसर्च में इतनी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। जब डेटा आपके पास बहुत ज़्यादा होता है ना, जब डेटा पूरी पॉपुलेशन, कराची की पूरी पॉपुलेशन पे कोरोना वायरस पे रिसर्च हो, तो पूरी पॉपुलेशन का डेटा जब 1000 2000 का डेटा कलेक्ट किया जाए, तब जो है आपके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो वो रिजल्ट जो हैं वो इतना ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं करते हैं, उसकी अजम्पशन भी सही आती हैं। सैम्पल साइज जितना ज़्यादा हो रिजल्ट उतने ज़्यादा अच्छे आते हैं। जो कंपनी जो पे करती हैं रिसर्च, रिसर्च पे जो पेड रिसर्च होती है उसका फिर डेटा सैम्पल साइज भी बहुत ज़्यादा होता है, उस पे मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। ये 30 रिस्पोंडेंट सेलेक्ट नहीं किए जाते, समझ आई? तो इस वजह से कंपनी उस रिसर्च को पे करती हैं, पेड रिसर्च उनको पे करती हैं जिसमें सैंपल साइज बहुत ज़्यादा हो और इम्पैक्ट भी सिग्निफिकेंट आ रहा होगा। तो कंपनीज जो हैं उसको पे करती हैं ऐसी रिसर्च को जिसमें सैंपल साइज, इवन के कंपनियां जो हैं वो बोलती हैं कि आपका सैंपल साइज इतना होना चाहिए ताकि रिजल्ट जो है वो अच्छे आए, और उतना आपको कलेक्ट करना पड़ता है जब भी कंपनी जो है वो लाखों डॉलर जो है वो खर्च करती हैं, वरना खर्च नहीं करती हैं। और कोई क्वेश्चन हो आपका? यहाँ तक लेक्चर आपका ख़त्म हो गया है, आपका मैंने असाइनमेंट जो है वो अपलोड कर दिया है। आपको इस तरह से रिग्रेशन लगाना है, अजम्पशन आप सारे लगा चुके हैं। अजम्पशन लगाने के बाद आप रिग्रेशन लगाएंगे और चेक करेंगे, रिग्रेशन देखेंगे कि किसका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट है किसका इनसिग्निफिकेंट है। 2 3 दफ़ा आप अपना मॉडल रिपीट करके रन करेंगे, देन यू विल गेट द आइडिया कि कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कर रहा है, कौन सा इनसिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कर रहा है। एक दो वेरिएबल को डिलीट शिलीट मार के फिर सिग्निफिकेंस चेक करेंगे, और उसके बाद वो सारा मॉडल बीटा वैल्यू को एक्सप्लेन करेंगे। 1% इंक्रीज इन ग्रीन लॉजिस्टिक विल इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस बाय दिस परसेंट। हमारा पूरा रिसर्च पेपर कंप्लीट हो गया जी मिस मिदा। इसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में यही लिखा जाएगा कि कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर रहा है और कौन सा सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट नहीं कर रहा। तो ये आपकी पूरी रिसर्च रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से आप पूरी अपनी रिपोर्ट कंप्लीट करेंगे और रिजल्ट लिखेंगे। तो ये आपके आपका ऑब्जेक्टिव भी क्या था, आपका ऑब्जेक्ट रिसर्च ऑब्जेक्टिव भी यही था ना कि ग्रीन लॉजिस्टिक का इम्पैक्ट चेक करेंगे, आप रिवर्स लॉजिस्टिक का इम्पैक्ट चेक करेंगे ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस पे, आप रिसाइकलिंग का इम्पैक्ट चेक करेंगे। तो आपका ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो गया। आईवी कम करने से आपस में इम्पैक्ट बढ़ेगा। हाँ, आईवी कम करने से इम्पैक्ट जो है और सिग्निफिकेंस जो है वो भी चेंज हो जाती है, बीटा वैल्यूज़ भी चेंज हो जाती हैं। तो आप इन मॉडल्स को खेलना शुरू कर दें, आईवीज़ को ऐड डिलीट करना शुरू कर देंगे, देन यू विल गेट द आइडिया कि रिग्रेशन किस तरह से काम करता है। व्हाट वाज द एम ऑफ द रिसर्च काशिफ? आपने पहले असाइनमेंट में अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च लिखा था, एम ऑफ द रिसर्च लिखा था कि आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इम्पैक्ट चेक किया था डिपेंडेंट वेरिएबल में। इस सवाल को कैसे डिफाइन करें? काशिफ पहला असाइनमेंट चेक कर लेना, दूसरा असाइनमेंट जो था जिसमें जिसमें रिसर्च क्वेश्चन लिखे थे, रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखा था कि आपकी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो पढ़ लीजिएगा। यही ऑब्जेक्टिव था। जेंडर बेस्ड बाइंग बिहेवियर में हम लोग ये चेक करना चाह रहे थे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या क्या लिए थे, पर्सनल ट्रेड, शॉपिंग एनवायरनमेंट, वो तो इंडिपेंडेंट का हम इम्पैक्ट चेक करना चाह रहे थे डिपेंडेंट वेरिएबल पे, वो हमने इम्पैक्ट भी चेक कर लिया, वो रिलेशन भी चेक कर ली, रिलेशनशिप भी पॉजिटिव है नेगेटिव है वो सब भी चेक कर लिया। 39 लोग हैं भाई आज, आज इतना कम आवाम क्यों ऑनलाइन आई हुई है? अटेंडेंस दे दीजिए आप अपनी, मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लूं।
आयशा जब्बार, अली अजहर, अरीबा मसरूर। अच्छा, जिन लोगों के अच्छे असाइनमेंट थे वो मैंने सबको शाबाशी दी है, और जिन लोगों में जो जो मसले थे वो मैंने बता दिए हैं। इस तरह से आप अपने पिछले असाइनमेंट भी सही करेंगे, अपने हाइपोथेसिस जो है उसकी बेस के ऊपर अपने रिजल्ट लिखेंगे, और पूरी रिपोर्ट नेक्स्ट जो असाइनमेंट होगा उसमें आपको पूरी की पूरी रिपोर्ट जमा करानी होगी, जिसके अंदर आप इंट्रोडक्शन भी सही तरह से लिखेंगे, आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव भी सही तरह से लिखेंगे, अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिसर्च क्वेश्चन भी सही तरह से लिखेंगे, आप रिसर्च प्रॉब्लम भी सही तरह से लिखेंगे, लिटरेचर आप लोगों का सही है, लिटरेचर गैप भी सही तरह से लिखेंगे, फिर आप अल्लाह भले मेथडोलॉजी, रिसर्च अनियन जो आपने सारा सेलेक्ट किया था, और हाइपोथेसिस आप लोग सब सही करेंगे। हाइपोथेसिस सही करने के बाद फिर एनालिसिस में आएगा, आप कोरिलेशन से आप सारे हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे, और फिर आप अपना रिजल्ट लिखेंगे कि आपने ये रिसर्च की और इस रिसर्च से आपको क्या पता चला, आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ या नहीं हुआ, इस तरह से रिजल्ट लिखेंगे। और एक चीज़ होती है फ्यूचर एरिया ऑफ रिसर्च, तो वो भी एक पैराग्राफ लिखेंगे फ्यूचर एरिया ऑफ रिसर्च में, वो अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। और क्या बोल रहा है भाई, व्हाट वाज द एम ऑफ द रिसर्च? सर प्लीज समराइज द टुडे लेक्चर इन 5 मिनट इफ पॉसिबल, ताकि तुम जो है सिर्फ समरी समरी पढ़ लो, बाकी सब गया तेल लेने। इमरान सर, आईवी रिमूव करने से दूसरे आईवी की वैल्यू क्यों बदल जाती है? हालांकि क्योंकि जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल शेयर कर रहे होते हैं, जब शेयरिंग कम हो जाती है तो उन दोनों उन सब की सिग्निफिकेंस चेंज हो जाती है। सही था, प्रीवियस असाइनमेंट में अगर वेरिएबल चेंज हैं तो वो भी वही लिखेंगे जो हमारे रिसर्च पेपर में है। जी, जो आपके क्वेश्चन एयर के इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने हर जगह पे वही आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखने हैं, जो आपके क्वेश्चन एयर के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज हुए हैं, तो हर जगह पे वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल आए। समराइज कर देता हूँ, पहले अटेंडेंस दे दें। अटेंडेंस अटेंडेंस पार्टिसिपेंट कहाँ गए? आयशा जब्बार, अली अजहर, अरीबा मसरूर, आसिया अहमद, असरा जुनेद अली, अतिया नईम, बेनेटा जावेद, बिलाल गनी खान, फहीमुल इस्लाम, हिना मुनव्वर, इमराना नकवी, इनाम एहसन। इनाम एहसन के बाद हैं जाजिब हसन, खतीजा सदीक, किरण इरशाद, इमरान मेहदी, मैमुना ताज, मोहम्मद इफ्तखार अहमद, मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद साकिब अतर, मोहम्मद उमेर खान, मोहम्मद वसीम। मोहम्मद अब्दुल हकीम, नवीद इकबाल। नवीद इकबाल के बाद हैं नवाज अशरफ, नूरुल हिरा, रमीज शफी, सहर महमूद, सज्जाद खान, सना बासोमरो, सैरिश शबीर आलम, सैयदा निदा, तूबा इम्तियाज, उमेर सफदर, यासिर जमीर। यासिर जमीर के बाद है जमीर अहमद। तो आप लोगों की अटेंडेंस हो गई। आज का लेक्चर जो है हम लोग इम्पैक्ट चेक किया है, रिग्रेशन चेक कर दिया। रिग्रेशन जो है वो इम्पैक्ट बताता है, वो क्या बताता है, प्रिडिक्ट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। कैसे चेक करते हैं? एनालाइज में जाते हैं, रिग्रेशन में जाते हैं, लीनियर में जाते हैं, डिपेंडेंट में डिपेंडेंट चेक करते हैं, इंडिपेंडेंट में इंडिपेंडेंट हम डालते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्टैट्स में जाते हैं, डर्बिन वाटसन को लेने प्लॉट्स में जाते हैं, वही सब चीज़ें ओके करते हैं। ओके में करते हैं हम आउटपुट चेक करते हैं, आउटपुट में जो है वो डर्बिन वाटसन 2 है, एडजस्टेड आर स्क्वायर जो है ये पूरे मॉडल का वेरियंस एक्सप्लेन करता है, तो 65.8% ऑफ द वेरियंस इज एक्सप्लेन बाई दिस मॉडल। हम जितने ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐड करते जाएंगे आर स्क्वायर बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर वो इररेलेवेंट वेरिएबल होंगे तो एडजस्टेड आर स्क्वायर डिक्रीज करेगा, तो एडजस्टेड आर स्क्वायर जो है वो एडजस्ट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, अगर वो कोरिलेटेड होंगे तो एडजस्टेड आर स्क्वायर भी बढ़ जाएगा।
एनोवा जो है वो सिग्निफिकेंट बताता है कि पूरा मॉडल जो है वो सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.05 से कम होनी चाहिए, एफ वैल्यू 2 से अबव होनी चाहिए. तो दिस मॉडल ही शोज दैट द मॉडल इज सिग्निफिकेंट. कोएफिशिएंट बीटा वैल्यूज जो होती हैं वो इम्पैक्ट बताती हैं. इसमें क्या बता रहे हैं, 1% इंक्रीज इन एनवायरमेंट विल इंक्रीज द जेंडर बेस्ड बाइंग बिहेवियर बाय 35%, और इम्पैक्ट इज नॉन सिग्निफिकेंट. टी की वैल्यू 2 से ज़्यादा होनी चाहिए और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.05 से कम होनी चाहिए. तो एनवायरमेंट का इम्पैक्ट जो है वो इनसिग्निफिकेंट आ रहा है, इस वजह से हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे. ट्रेड क्या बता रहा है, 1% इंक्रीज इन ट्रेड विल इंक्रीज द जेंडर बेस्ड बाइंग बिहेवियर बाई 54.3%, द इम्पैक्ट इज सिग्निफिकेंट, पी वैल्यू इज लेस देन 0.05. तो ये इसका इम्पैक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट है, इस वजह से हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे. सैलरी, 1% इंक्रीज इन सैलरी विल इंक्रीज द जेंडर बेस्ड बाइंग बिहेवियर बाय 17.2%, लेकिन इम्पैक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा है, इस वजह से हम देर इज नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे. सही है. तो इस तरह से हम इम्पैक्ट को चेक करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं. तो हम अपने बॉस को बताएंगे कि अगर जेंडर बेस्ड बाइंग बिहेवियर टेक्नोलॉजी की बढ़ानी है तो आप शॉपिंग मॉल का एनवायरनमेंट अच्छा कर दें, आप उस बंदे के अंदर बाइंग बिहेवियर की ट्रेड, उसके नेचुरल हैबिट को बढ़ा दें तो बाइंग बिहेवियर बढ़ जाएगी, सैलरी को इंक्रीज कर दें तो बिहेवियर बढ़ जाएगा. लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो इसमें ट्रेड इम्पॉर्टेंट है कि उसका इम्पैक्ट जो है वो, बाकी सबका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट नहीं है. सर रिपोर्ट वाले असाइनमेंट में टाइम ज़्यादा देना दें प्लीज़, बस आखिरी लास्ट क्लास होगी, अगली हो सकता है, और वैसे भी वो शुरू हो जाएंगे रमज़ान, तो पूरा 1 वीक होगा आपके पास. आपको सारे असाइनमेंट जो हैं वो कंबाइन करने हैं, पहले टाइटल था, दूसरा असाइनमेंट आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च क्वेश्चन वगैरह वो था, उसके बाद लिटरेचर था वो लिखना है, लिटरेचर गैप लिखना है, उसके बाद आपका मेथडोलॉजी का था वो सारा लिखेंगे आप. मेथडोलॉजी के में आपने हाइपोथेसिस डिफाइन किए थे, उसके बाद एनालिसिस का चैप्टर आएगा, एनालिसिस में आपने सारी रिलायबिलिटी चेक की, फिर आपने ईएफए लगाया, फिर आपने कोरिलेशन लगाया, फिर आपने अजम्पशन लगाए, फिर आखिर में आपने रिग्रेशन से इम्पैक्ट चेक किया, फिर आखिर में आपने सारे हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट करना है किस फैक्टर का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, किसका स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहा है, और आखिर में पूरी रिसर्च का समरी लिखनी है, एब्स्ट्रैक्ट लिखना है कि आपने ये रिसर्च की, ये 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट चेक किया, इतना सैम्पल साइज लिया, किसका इम्पैक्ट अच्छा आया, सिग्निफिकेंट आया, किसका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट नहीं आया, ये आखिर में आपने समरी लिखनी है. एक चीज़ और रिपीट कर दें, अगर क्रॉनबैक अल्फ़ा की वैल्यू 0.7 से कम हो तो क्या करना चाहिए, ख़ास तौर पर असाइनमेंट के हवाले से जहां डेटा ज़्यादा नहीं है, तो वो स्क्वायर लेना चाहिए, क्यूब लेना चाहिए, लॉग लेना चाहिए, मैंने सारे रिजल्ट बता दिए हैं. वेरियंस अच्छी तरह से देख लीजिएगा, वेरियंस मॉडल में अच्छा है या नहीं. द एम ऑफ रिसर्च इज़ टू नो अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जी काशिफ, साकिब पूछ रहे हैं पेपर का कुछ आइडिया है कि कैसे होंगे. नहीं, मुझे फाइनल पेपर का अभी तक कुछ नहीं पता. प्रोजेक्ट रिपोर्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक देनी है. जी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आपको पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करवानी है. एनीथिंग एल्स, कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा. बराए मेहरबानी रिजल्ट मुझे नहीं भेजा करें, मेरी वीडियो जो है यूट्यूब की वो देख लिया करें, उसमें मैंने जब हर चीज़ एक्सप्लेन की भी है, तो मुझे रिजल्ट भेज के आप क्यों पूछ रहे होते हैं, मुझे ये नहीं समझ आती. मैं वही चीज़ें बता रहा होता हूँ जो मैंने लेक्चर में बताई भी होती हैं, तो फिर आप लोग मुझसे क्यों पूछ रहे होते हैं, ये मेरी नहीं समझ आई. तो बराए मेहरबानी कोई ऐसी चीज़ पूछा करें जो मैंने लेक्चर में नहीं बताई, तो फिर मुझे बताते हुए खुशी भी होती है कि यार इसने 2-3 लोगों ने मुझसे बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें पूछी जिनको मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया. तो पूरे 50 लोगों में से 2-3 लोग ऐसे हैं जो अच्छे सवाल करते हैं, बाकी सब वही नॉर्मेलिटी के रगाफ, मुझे सर ये बता दें ये नॉर्मल है या नहीं है. अरे भाई क्या बोलो अब मैं तुम लोगों के, लकीर के फकीर ही रहोगे, कब बड़े होंगे तुम लोग.
अभी जो असाइनमेंट ऑनलाइन है वो तो सबमिट कर दें सर, अभी तो कोई, जी अभी ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है, रिग्रेशन वाला ही मैंने अपलोड किया है, वही आपने डालना है। रिग्रेशन पे रेगुलराइजेशन क्यों नहीं अप्लाई होती है? रेगुलराइजेशन ज़रा एडवांस लेवल है शब्बीर, मैं आपको बाद में बताऊंगा, सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। वीडियो कब तक अपलोड हो जाएगी? कल तक अपलोड हो जाएगी, तो हो सकता है रात को ही अपलोड कर दूँ। ज़रा वीडियो को रेंडर होने में टाइम लगता है, बड़ा एडवांस लेवल की वीडियो होती है। मेरे ख्याल से कोई भी टीचर आपको इस तरह से वीडियो प्रोवाइड नहीं कर रहा जिस तरह से खड़े होकर टीचर जो है वो वीडियो बना के वो अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन इस तरह से स्क्रीन के ज़रिए से मेरा नहीं ख्याल कोई आपको लेक्चर बता रहा हो और जिसमें साउंड भी आ रही हो और स्क्रीन भी आ रही हो। तो होपफुली आप लोगों को अच्छा लेक्चर आएगा। नेक्स्ट लेक्चर वुड बी द लास्ट लेक्चर इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं। सर आप ही दे रहे हैं अभी यूट्यूब पर, अभी मैं अभी अपलोड कर देता हूँ, तो काइंडली लेक्चर जो है वो फास्ट फॉरवर्ड, लेक्चर की जो स्पीड होती है ना यूट्यूब पे, स्पीड फॉर फास्ट फॉरवर्ड कर करके आप देख लिया करें कि सर ने किस टाइम के ऊपर क्या चीज़ बात कही थी। तो इस तरह से लेक्चर जो 1.5 घंटे का लेक्चर है वो 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा फास्ट फॉरवर्ड से। स्पीड जब 1.5 या 1.75 करके आप देखेंगे तो वो जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा ऑलरेडी तेज़ लग रही है तो स्लो करके सुन लीजिएगा, तो फिर 1.5 घंटे का लेक्चर 2 घंटे का हो जाएगा। चले ठीक है, नेक्स्ट फिर असाइनमेंट में मुलाकात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, पूरी रिपोर्ट आपसे डिस्कस करते हैं, कोई भी मसला होगा। नेक्स्ट असाइनमेंट में हो सकता है टाइम सीरीज डेटा का एनालिसिस मैं करूं, मैं डिसाइड करता हूं कि नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को क्या बताऊं। लेकिन आपका सर्वे डेटा जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब डिफरेंट तरह के डेटा होते हैं, टाइम सीरीज डेटा के एनालिसिस डिफरेंट होते हैं, हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में वो मैं बताऊँ आपको। तो स्टे हैप्पी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।